हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सुब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज अंगद यादव, योर साइंस सब्जेक्ट टीचर। इन प्रीवियस क्लासेस वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज बैक्टीरिया एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर न्यू एंड सम टॉपिक्स, व्हाट इज फंजाई, व्हाट इज एल्गी, प्रोटोजोन्स एंड वायरसेस। फर्स्ट हेडिंग, व्हाट इज फंजाई। स्टूडेंट, फर्स्टली आई क्लियर यू, नॉट ऑल फंजाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Not all fungi are microorganisms. Only some unicellular fungi are microorganisms. Again, I revised. यानी सभी, यानी all, not all fungi are microorganisms. यानी सभी जो fungi होते हैं microorganism नहीं होते हैं. Only some unicellular fungi are microorganism. ठीक है. They kind of ऑर्गेनिज्म, यानी फंजाई जो है, दे काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ क्लोरोफिल, यानी फंजाई के पास क्या होता है, फंजाई लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, यानी फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। They cannot prepare their own food. यानी कि इसकी वजह से ये अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। They cannot prepare their own food. यानी लैक ऑफ क्लोरोफिल की वजह से फंजाई अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? यानी अगेन आई रिवाइज्ड, व्हाट इज फंजाई। फंजाई जो होते हैं, ये सभी के सभी फंजाई, पहले तो ये क्लियर है कि सभी फंजाई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ओनली सम यूनिसेलुलर फंजाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, अब जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी कि अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और फिर क्या करेंगे, अब भाई फूड तो चाहिए ना इनको, है ना, अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए इनको फूड चाहिए, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। तो ये फूड कहां से लेते हैं, ठीक है, दे डिपेंड ऑन किस पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। यानी ये प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, फूड्स के लिए। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहेव पर हम फंजाई को कुछ कैटेगरी में, यानी मेनली टू कैटेगरीज में इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन इसमें किस टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे सम फंजाई लाइव इन डेड आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी सम फंजाई लाइव इन Dead are decaying organic matter and these mode of nutrition are known as kya? They are known as saprozoic या saprophytics भी बोल सकते हैं। ओके, यानी some fungi live in dead are decaying organic matter. They are known as saprozoic या saprophytic, okay? यानी कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो किस पे डिपेंड होते हैं, जो dead are decaying matter पर डिपेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उस mode of nutrition को बोला जाता है saprozoic, okay? ठीक है, saprophytes, ठीक, या saprozoic क्या, saprophytes, ठीक। And some fungi live in या डिपेंड ऑन
लिविंग बॉडी डिपेंड ऑन लिविंग बॉडीज दे आर नोन एज पैरासाइट अगेन आई रिवाइज फंजाई व्हाट इज फंजाई फर्स्टली कि फंजाई जो होते हैं वे सभी पहले तो ये कि सभी फंजाई के पास सभी फंजाई जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है ओनली सम यूनिसेलुलर जो फंजाई होते हैं वही क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट लाइक होते हैं बट इनमें क्लोरोफिल नहीं होता ओके लैक यहाँ है ना फंजाई के पास क्या नहीं लैक ऑफ क्लोरोफिल इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड यानी कि जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपने फूड को अपने से प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल की नीड होती है इज दैट क्लियर तो ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं ठीक है तो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड यानी अपने फूड के लिए वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं ओके जो इसका न्यूट्रिशन है यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फंजाई का वो मेनली हम दो पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किए हैं कौन कौन सा कि सम फंजाई लाइव इन डेड आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ठीक है कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे से अपना फूड लेते हैं ठीक है कुछ ऐसे फंजाई हैं जो अपने फूड को कहां से वो खाते हैं या किस पर वो लाइव रहते हैं वो डेड आर डिकेइंग मैटर पे ठीक है डेड आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे तो उसे हम क्या बोलते हैं सैप्रोजोइक बोलते हैं ओके और कुछ ऐसे फंजाई हैं जो अपने फूड को खाने के लिए वो कहां पर डिपेंडेंट होते हैं किसी लिविंग बॉडीज के अंदर या उसके बाहर उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक ठीक है फंजाई का स्ट्रक्चर क्या आपने कभी फंजाई देखा है ठीक है कभी आपने फंजाई देखा है तो हम क्लियर करें हाँ आपने देखा है कभी आपने मैंगो पिकल्स खाए अचार जिसपे व्हाइट कलर का लग जाता है कभी आप अभी रेनी सीजन में आप देखिएगा ब्रेड पर माउल्ट्स बन जाते हैं ठीक है व्हाइट कलर का थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे थाउजेंड ऑफ फंजाई ग्रो इन ब्रेड्स ठीक है आर फूड आइटम्स ओके तो एक स्ट्रक्चर पहले इसका फंजाई का स्ट्रक्चर अगर आपको डिस्क्राइब करें तो फंजाई इस तरीके से ऐसे ठीक है ऐसे ही होते हैं अब अगर हम फंजाई के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर देखेंगे आप लोग ये थ्रीड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये थ्रीड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है इसका वो क्या होता है वो इसका हाइफी होता है ठीक है ये इसका क्या है हाइफी इसको बोलते हैं हाइफी ओके यानी फंजाई में थ्रीड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर यानी कि आप ब्रेड पे जो आप व्हाइटिश कलर का जैसे अगर मॉइस्चर प्लेस पर अगर आप ब्रेड यानी कोई भी फूड आइटम्स रख दिए हैं तो आप उसमें देखेंगे व्हाइट या फिर हल्का ब्लैक कलर का उस पर आपको ये फंजाई दिखाई देंगे और ये फंजाई में जो ये थ्रीड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसको हम हाइफी बोलते हैं ठीक है एंड मास ऑफ हाइफी यानी जब ये बहुत सारी हाइफी देखिए ये बहुत सारी हाइफी हैं ठीक है ये मास ऑफ हाइफी आर नोन एज माइसीलियम ठीक है यानी मास ऑफ हाइफी आर नोन एज क्या माइसीलियम ओके आप सम एग्जांपल फंजाई का सम एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल इसका राइट कर देते हैं इस्ट माउल मशरूम एक्सेट्रा ठीक है बहुत सारे हैं ठीक मशरूम एग्जांपल इसके इस्ट माउल एंड मशरूम ठीक अगेन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं ठीक है ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये फंजाई मतलब अभी क्लास में ही याद हो जाए पूरी तरीके से आप उसको याद कर पाएं व्हाट इज फंजाई ठीक है नॉट फर्स्ट लाइन क्या है कि मतलब पहले तो ये क्लियर करना है कि सभी फंजाई जो हमारे होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है ठीक है नॉट ऑल फंजाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ क्लोरोफिल एंड दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड यानी अपना फूड ये अपने से नहीं बना सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लोरोफिल ओके तो ये अपने फूड के लिए कहां डिपेंड हो दे डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट फॉर फूड ठीक है अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं ओके इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में इसमें थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फिलामेंटस थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम हाइफी बोलते हैं और मास ऑफ हाइफी यानी बहुत सारी जब हाइफी होती है तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं इज इट क्लियर
ओके और अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहेव पर इनको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज किए हैं। एक तो ये ऐसे होते हैं जो डेड आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोजोइक। और ऐसे कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका कहां पर होता है, किसी लिविंग बॉडीज के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी आर नोन एज क्या, पैरासाइट। इज दैट क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, बुक में आपके कहीं एक वर्ड लाइकेन लिखा होगा, ओके तो व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन एल्गी एंड फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, यानी कि एल्गी फंजाई का क्या करता है, हेल्प करता है, और फंजाई एल्गी का हेल्प करता है, और जब दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। ओके तो लाइकेन कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एल्गी और फंगी जब दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज एल्गी, व्हाट इज एल्गी? एल्गी आर अ सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। दे हैविंग नॉट अ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, बट दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, यानी एल्गी क्या है, एक सिंपल, ठीक है, सिंपल क्या है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, और इसके पास हैविंग नॉट स्टेम, रूट एंड लीव्स, एंड लीव्स, यानी जो एल्गी है वो क्या है, एल्गी आर अ सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट या सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, हैविंग नॉट स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, ओके, बट दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, बट दे कंटेन क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, बट कंटेन क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल है सो कैपेबल फॉर मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगेन आई रिवाइज्ड, एल्गी आर अ सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, दे हैविंग नॉट स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, बट दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, इनके पास स्टेम नहीं होता, रूट्स नहीं होती, ठीक है, और न ही इनके पास लीव्स होता है, बट इनके पास क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से दे मेक देयर ऑन फूड, यानी ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के हेल्प से क्या कर सकते हैं, बनाते हैं। सम एल्गी आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर है, और हम कैसे देखेंगे एल्गी को, तो आप सभी लोग देखे होंगे एल्गी जब रेनी सीजन, ठीक है, इन रेनी सीजन में आप देखे होंगे दीवालों के पास, ठीक है, दीवालों के पास ग्रीन ग्लिन हो जाता है, फिसलन होती है ना, जिसको गांव विलेजेस में काई बोला जाता है, ठीक है, आप पॉन्ड्स में देखेंगे, ठीक है, या फिर जहां पर रिवर वगैरह होता है वहां पर आप देखेंगे, तो जहां पर वाटर होता है, ठीक, वहां पर ऐसे मतलब फैलस फॉर्म में होते हैं, ठीक, तो पूरी तरीके से वो इन रेनी सीजन में आपको दिखाई देंगे, ठीक, तो इनको क्लासिफाइड किया गया है कितने ग्रुप्स में, तीन ग्रुप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है मेनली, कौन कौन से, ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, सेकेंड ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन कलर के होते हैं, थर्ड रेड एल्गी, ठीक है, यानी ये सिंपलेस्ट प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और इनके पास क्लोरोफिल होता है जिससे अपना फूड ये क्या कर लेते हैं, अपने से बना लेते हैं, और इनको हम तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, कुछ ग्रीन कलर के ग्रीन एल्गी, कुछ ब्राउन कलर के ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ओके, कुछ इससे ही मिलता हुआ एक नाम होता है, नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम ब्लू ग्रीन एल्गी, बट इट इज नॉट एल्गी, ये नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एल्गी
केवल यहां पर है बट ये एल्गी है नहीं, ओके, इट इज नॉट अ एल्गी, ये क्या है, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है, एक टाइप का बैक्टीरिया है और अल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी अल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से ही जानते हैं। तो इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों है, क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी एक ऐसी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो फोटोसिंथेसिस करता है, ओके। पहले इसको एल्गी, यहां पर नाम लिखा है, पहले इसको एल्गी की कैटेगरी मतलब एल्गी के पार्ट्स में पढ़ते थे, बट बाद में जैसे जैसे हम हमारा माइक्रोस्कोप जो एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब बनाया गया तो उसके बाद हम जब ने इसका स्टडी किया तो पता चला कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कह रहे हैं वो एल्गी नहीं है, वो क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको सेकेंड नाम से भी जानते हैं, क्या, साइनोबैक्टीरिया, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स आर अ सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये यूनिसेलुलर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और इनकी साइज, देयर साइज क्या, 200 माइक्रोन, यानी प्रोटोजोन्स आर अ सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर साइज आर 2 to 200 माइक्रॉन्स, ओके। और इसका कुछ एग्जांपल है, कौन कौन से हैं, यूग्लीन, जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लीना, ओके, ठीक है, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसकी साइज कितनी है, 2 to 200 माइक्रॉन्स, एंड इसके कुछ एग्जांपल हैं, वो कौन से एग्जांपल हैं, एग्जांपल पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लीना। सम प्रोटोजोन्स आर डिजीजेस, यानी कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनकी वजह से डिजीज होता है, और कुछ डिजीज के नाम हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे मलेरिया एंड डिसेंट्री, ठीक है, मलेरिया एंड डिसेंट्री, ये क्या है, प्रोटोजोन्स डिजीजेस हैं, ओके। नेक्स्ट हेडिंग वायरसेस, वायरसेस, व्हाट इज वायरसेस, व्हाट इज वायरसेस, वायरसेस आल्सो हैव अ माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, यानी ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, दे हाउएवर, दे However, reproduce inside the cell of the host organism. Important line. Importance, very importance. Viruses क्या है? Microscopic particles है, ठीक है? ये एक microscopic particles होता है. They, however, reproduce inside the cell, ठीक है? ये inside the cell जाकर क्या करता है? Reproduce करता है किसमें? Host organism के cell में, जब ये inside होता है, अंदर जाता है, तभी ये क्या करता है? Reproduce कर सकता है, अपनी multiple copy बना सकता है. यानी कि living body के अंदर जाने के बाद, ये अपने आप को show करता है, क्या? किस तरीके से? ये अपने आप को लिविंग की तरह सो करता है, और जैसे ही लिविंग बॉडी के जब तक वो बाहर रहता है तब तक ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, ओके? इसकी साइज जो है 0.015 माइक्रॉन से कितनी है, 0.2 माइक्रॉन, यानी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, देयर साइज आर 0.015 माइक्रॉन्स टू 0.2 माइक्रॉन्स, ओके। सम एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे एचआईवी वायरस, एचआईवी एड्स वायरस भी बोल सकते हैं, ठीक है, एड्स वायरस,
चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो वायरस, पोलियो वायरस ओके, और एंड सम कोल्ड आर फ्लू, ठीक है, जो कोल्ड होता है, जो इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जो डिजीज होता है वो भी वायरस डिजीज है, ठीक है, एक्सेट्रा, मिजल्स इसी में आ जाएंगे, ठीक है, मिजल्स, चिकन पॉक्स, ठीक हो गया, एड्स हो गया, ठीक, और उसके बाद आपका जो इन्फ्लुएंजा एंड कोल्ड जो होता है वो भी वायरस से ही होता है, ओके। अगेन आई रिवाइज्ड, व्हाट इज वायरसेस, वायरसेस क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी ये केवल और केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही, क्या होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के इनसाइड ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी अपनी मल्टीपल कॉपी बना सकता है, इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है। वायरसेस की वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत टाइप्स के क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल हमने राइट किए हैं, एच आई वी एड्स वायरसेस, ठीक है, HIV, एड्स वायरस और चिकन पॉक्स वायरस और पोलियो वायरस एक्सेट्रा, इज दैट क्लियर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, ओके, और उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। आप हमें बताएंगे बैसिलस का एक एग्जांपल राइट करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक, वैसे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे बेटर होगा। बैसिलस का एक टाइप बता दीजिए, और उसके बाद कोकस का एक टाइप, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम, ठीक है, यानी कि कोकस के एक बैक्टीरिया का नाम एंड बैसिलस के एक बैक्टीरिया का नाम, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, बट हाँ, एनी डाउट रिगार्डिंग टुडे टॉपिक प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स आर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक्स।